तो सबसे पहले आप लोग कमेंट देकर बताइए कि आप लोग ये वीडियो मोबाइल डाटा के थ्रू देख रहे हैं या फिर वाईफाई के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मोबाइल डाटा में आप लोग लिमिटेड डाटा को यूज करना चाहते हैं और आप लोग अपने डाटा को मॉनिटर करना चाहते हैं, यानी आप लोगों ने एक दिन में कितने डाटा को यूज कर लिए वो आप लोग मॉनिटर करना चाहते हैं। और पहले दोस्तों हमें हमारे कंट्रोल सेंटर में सपोर्ट देखने को मिलता था कि हम लोग अपने फोन में कितने डाटा को यहाँ पर यूज कर चुके हैं। अगर आपके फोन में चाइना वाला रोम है दोस्तों तो आप लोग अपने कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो कंट्रोल सेंटर में हमें डाटा यूज की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप लोग मोबाइल डाटा यूज करते हैं तो आपके कंट्रोल सेंटर में आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मॉनिटर करने को मिल जाता है कि आपके अपने डाटा को मोबाइल डाटा को कितनी डाटा यूज किए उसकी मॉनिटरिंग आपके कंट्रोल सेंटर में मिल जाता है। पर दोस्तों अगर आपके फोन में इंडिया वाला रोम है या फिर ग्लोबल वाला रोम है और आप जाते हैं कंट्रोल सेंटर में, तो चाहे आप लोग MIUI 12 वाले कंट्रोल सेंटर यूज करें 12.5 या 12.5 in 9 या फिर MIUI सेटिंग की बात करते हैं तो हमारे कंट्रोल सेंटर में हमें कहीं भी डाटा उसकी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। पर आज की वीडियो में इसमें आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला है, ऐसा मैं बताने वाला हूँ जिससे आप बगैर रूट किए हुए बगैर किसी पी को अपने फोन में इंस्टॉल किए हुए बगैर चैनल अपने स्विच किए हुए आप लोग अपने फोन में डाटा यूजर्स की सपोर्ट यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और जो आपके डाटा की जो मॉनिटरिंग है वो आप उसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि आप लोग को इस तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने को मिलते रहे। तो जैसे कि मैं आपको दिखाया था देख सकते हैं मैं जो डाटा यूज कर रहा हूँ आपको आपके फोन में से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैं किसी वीडियो में आप प्ले भी कर दूँ दोस्तों उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काम दोस्तों अपने सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके तो यहाँ पर ऑल कर दीजिए और उसके बाद आपको ज्वाइन नहीं करना दोस्तों आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको किसी वीडियो को प्ले करता हूँ और प्ले करने में उससे देख सकते हैं आप लोग को बगल में एक थैंक का बटन देखने को दोस्तों, तो आप लोग थैंक का बटन को प्रेस करके आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर डाटा को यूज कर मतलब कि मोबाइल डाटा के थ्रू यहाँ वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, तो प्ले करने के बाद मैं आपको जाता हूँ होम स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी 17 में देखने को मिल गया। मैं फिर से किसी वीडियो में प्ले करूंगा मैं दिखा देता हूँ, मैं फिर से किसी वीडियो में प्ले करता हूँ वो यहाँ पर लाइक भी कर दीजिए और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर देख सकते हैं आपको 19.4 में देखने को मिल जाता है। तो डाटा जो भी यूज कर रहे हैं दोस्तों उसकी मॉनिटरिंग हमारे होम स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जब हम लोग मॉनिटर करते हैं तो आप लोगों को मालूम होता है कि आप लोगों के फोन में जो भी डाटा है वो आप लोगों ने कितना कंज्यूम कर लिया, कितना आप लोगों को और यूज करना है, क्योंकि दोस्तों एक ही बार में डाटा जब लोग कंज्यूम कर लेंगे यूज कर लेंगे तो फिर दिन में कैसे चलेगा, तो इस वजह से मॉनिटर करना जरूरी होता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है आप लोग अपने थीम स्टोर पर चले जाना है। थीम स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को सर्च वाले पर टाइप करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है पी स्पेस डिजर्ट और सर्च कर देना है। सर्च करते हुए आपको पहला थीम देखने को मिलता है पी डिजर्ट 12.5, उस पर टैप करना है और टैप करने वाले दोस्तों आप लोगों को सिंपली यहाँ पर सभी जो ऑप्शन है उसे आप लोग अनटिक करके सिर्फ होम स्क्रीन में आप लोग अप्लाई कर देना है। होम स्क्रीन में जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके होम स्क्रीन पर ऑटोमेटिक एक विजिट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं और इस विजिट पर डबल टैप करके आप लोगों को और भी यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं आप लोगों को जो लेफ्ट साइड में आप लोगों को विजिट देखने को मिल रहा है उस पर टैप करने के बाद आप लोगों को बहुत से विजिट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर स्टेप्स को देखने को मिल जाता है, जो आपको फिटनेस की जो ट्रेनिंग वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है और डबल टैप करके आप लोग बैटरी गेम वगैरह को भी आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं और डबल टैप करने के बाद आप लोग को जो डाटा यूज की सपोर्ट दोस्तों वो देखने को मिल जाता है। दोस्तों एक थीम में आप लोग को मल्टीपल कंट्रोल देखने को मिल जाता है, इसके अलावा आप लोग बगल में वेदर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है टैप करके आप लोग और भी कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, फोटोज वगैरह को आप लोग ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, म्यूजिक की कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है और स्कैनिंग वगैरह की कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। तो एक थीम में आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मल्टीपल कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो सिंपली गाइस अगर आप लोग अपने मोबाइल डाटा को मॉनिटर करना चाहते हैं डाटा यूजर को फीस पे करना चाहते हैं तो आप लोग को इस थीम को अपने थीम स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसे अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद आप लोग चाहें तो पूरी थीम को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो सिर्फ होम स्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी थीम अप्लाई करेंगे तो आपके हर जगह में थीम अप्लाई हो जाएगा, आपके थीम आपके वॉलपेपर आपके कंट्रोल सेंटर आपकी सेटिंग वगैरह आपकी आइकन दोस्तों हर जगह थीम अप्लाई हो जाएगा और सिर्फ होम स्क्रीन पर अप्लाई करेंगे आप लोग तो आपकी जो वॉलपेपर है और जो विजेट्स है वो आपके फोन में यहाँ पर अप्लाई होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक आपको बताया था, होप वीडियो पसंद आया, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो दोस्तों और जरूर बटन को भी और थैंक्स बटन को भी आप लोग सपोर्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो दोस्तों कीप
वॉचिंग।